नमस्कार दोस्तों, इलाजी स्वास्थ्य किचन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कच्चे आम की चटनी बनाने की रेसिपी। ये चटनी एकदम टेस्टी है और फटाफट से बन जाती है, तो चलिए चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज के कच्चे आम के टुकड़े लिए हैं, 150 ग्राम चॉप किया हुआ गुड लिया है, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 3 साबुत लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और 1 टेबलस्पून तेल। सबसे पहले हम गैस पर एक पैन रखेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून तेल गरम करने के लिए डालेंगे। तेल गरम होने के बाद उसमें जीरा डालेंगे, साबुत लाल मिर्च डालेंगे, लहसुन की कलियां डालेंगे। उसे अच्छे से चलाते हुए भून लेना है। मीडियम गैस पर हम उसे अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए भुनेंगे। तो हमने उसे अच्छे से भून लिया है। अब हम उसे नीचे उतार लेते हैं। इस भुने हुए मसाले को हम एक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे, कच्चे आम के टुकड़े डालेंगे, चॉप किया हुआ गुड़ डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, जार का ढक्कन बंद करेंगे और उसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो हमने उसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारी चटनी एकदम रेडी हो गई है। उसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। हमारी एकदम टेस्टी कच्चे आम की चटनी सर्व करने के लिए तैयार है। इस चटनी को घर पर बनाकर ट्राई करें और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर करें। ऐसी नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।